कि दिल्ली दीआं हदां ते बैरीकेडिंग करना पुलिस की मजबूरी है। किसान अंदोलन से भाजपा आगू हरजीत गरेवाल वालों एक अहम बयान सामने आया। वड्डा बयान देंदे उन्होंने कहा कि दिल्ली दीआं हदां ते बैरीकेडिंग करना पुलिस की मजबूरी है। सिंघू बॉर्डर कतल पिछे पंजाब सरकार की साजिश उन्हें करार दिता। राकेश टिकैत गारंटी देण की क्राइम नहीं होगा। सो हरजीत गरेवाल ने निशाना भी साध्या, सवाल भी पूछा है। अंदोलन में शामिल आगुआ का किसानी के नाल कोई संबंध ना होने का बयान भी उन्होंने वालों दिता गया। सो भाजपा आगू ने अरजीत गरेवाल जो कि कई बार बेबाकी के नाल बयान देंदे ने ते एक बार फिर वड्डा बयान उन्होंने वालों सामने आया है, जिन्हों का कहना है कि दिल्ली दीआं हदां ते बैरीकेडिंग करना पुलिस की मजबूरी है। सिंघू बॉर्डर से हुए कतल पिछे उन्होंने पंजाब सरकार की इसनों साजिश करार दिता। सो तिखा निशाना सूबा सरकार से साध्या। नाल ही उन्होंने किसान आगू राकेश टिकैत नूं भी कहा है कि वह गारंटी देण की क्राइम नहीं होगा। तो जे विचकार निशाना कई किसान आगुआ से भी उन्होंने वालों साध्या गया। उन्होंने कहा है कि अंदोलन के शामिल आगुआ का किसानी नाल कोई संबंध नहीं है, इस तो लैके सिर्फ ते सिर्फ सियासत की जा रही है। अरजीत गरेवाल भाजपा आगू साढ़े नाल ने, उन्होंने गल करते हैं। गरेवाल साहब कल सुनवाई भी हुई जिस दे विच रस्ते खुलवाण नूं लैके टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, पर किसान आगुआ का कहना है कि प्रशासन वालों जो बैरीकेड और कंडीलियां तारा ला के जो रस्ते बंद किए हुए हैं वो टिकैत साहब नूं ही पुछ लेना सी क्यों किए हुए हैं। जदों तुसीं उत्थे किसी की हत्या कर दोगे, जदों किसी का रेप हो जूगा जां कोई होर क्राइम हो जूगा, वो क्रिमिनल्स नूं बाहर करन, उसकी गरंटी लैन, पुलिस प्रशासन नूं उन्हां दी सुरक्षा लई इह सब करना पैंदा, बंद करना पैंदा। इस करके उहदे चों खुला राह नहीं मिल रहा, तो ये टिकैत साहब नूं इह गरंटी देनी होएगी। फिर जे इह जिहड़ा एग्रीमेंट करदे ने जदों 26 जनवरी नूं कीता सी उहनूं वायोलेट कर दिंदे आ, इहनां दी अपनी परिभाषा अपने लई बना लैंदे आ। इस करके मैं इहनां नूं इह प्रार्थना करदा कि जे सानूं कुछ अधिकार दिते हुए आ शांतमई अंदोलन चलाउण दे लई सानूं अधिकार दिता, तां सानूं नाल नाल ड्यूटीज भी दित्तियां। तुसीं इत्थे हत्या की गल की, जिहड़ी सिंघू बॉर्डर ते हत्या हुई, जिस निहंग सिंह जथेबंदियां या जो धड़ियां दा आ रहे हैं उन्हां दीआं भाजपा लीडरां दे नाल फोटोआं और लंच करदे दीआं वीडियोज आ रहीआं ने। देखो वो असीं बाद च इहदा खुलासा भी करांगे, पार्टी दे अंदर मैं गल करना, इह इक बहुत बड़ी साजिश हुई है और यह साजिश जिहड़ी आ इह कांग्रेस और पंजाब दी सरकार दी तरफों हुई है, तो इहदे बारे मैं डिटेल च खुलासा करूँगा कि किस तरह। निहंग अमनदीप सिंह मौजूद है, केंद्रीय मंत्री खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद ने, और उसे फोटो दे विच पिंकी कैट भी जिहड़ा उह खड़ा होया दिखाई दे रहा। इस तरह पिंकी कैट पंजाब सरकार दा बंदा, ठीक है, कैट तुहानूं पता ही है की हुंदे आ, इंस्पैक्टर रहा पंजाब पुलिस च उह, और ये जिहड़े निहंग सिंह ने यह भी पक्के निहंग सिंह नहीं है, ये बाबे पुल्ले का निहंग आ, ठीक है, वह की करते रहे वह भी तुहानूं सारयां नूं पता। ये इस लैवल के लोग, ये तो जान बुझ के करवाया गया घर जिहड़ा कि ये जिहड़े गलत काम होए सी उन्हां ते पर्दा पाउण लई ये कीता गया, ठीक है। तुहानूं लगदा नहीं इस दे पिछे कोई वड्डी साजिश है? ये जांच का विषय है, निरपक्ष जांच होनी चाहिए है, सख्त तरीके नाल होनी चाहिए है। तो वो जिस तरह नाल वो तालिबानी तरीके नाल हत्या की गई उसकी इजाजत कौन दिंदा? कानून सज़ा देने नूं है ना, जे कोई क्राइम करता ये सज़ा देने वाले ये कौन होंदे आ? जिस जगह इहदियां वीडियोज़ ने उहदे च जिथे उहदे नाल कुटमार की जा रही है, उसका हथ वड्या जा रहा है, उत्थे पुलिस की मौजूदगी भी जिहड़ी आ साफ जाहिर हो रही है। वीडियो दे विच दिख रहा कि पुलिस मौजूद है, पर पुलिस भी इस तरीके उत्थे मुख दर्शक बन के खड़ी रहे, इस दे उत्ते नहीं तुहानूं लगदा सवाल उठ रहे? तुहानूं पता पुलिस वालां ते उत्थे हमला हो जांदा, एस एच ओ ते हमला हो गया सी, बहुत कुछ हो जांदा। इस करके पुलिस वाले जदों तक उन्होंने ऑर्डर ना हो अपना काम नहीं करते। जिन्ने किसान लीडर ने जथेबंदियों के लीडर ने, एक कोई खेती ते आधारित नहीं है, एक किसी के भट्ठे लगे हुए आ, किसी के सैलर ने, इन्हां दे अलग अलग बिजनेस ने, कोई विदेशों काम आ, किसी के कॉलेज ने, किसी दी यूनिवर्सिटियां ने, अलग अलग काम ने सारे के, जे कहो कल्ले कल्ले ते दस देंगे। ये खेती ते आधारित जिहड़े लोग गए हुए दो ढाई ढाई एकड़ के मालिक गए हुए, उन्हां दे बच्चों मरवाउण दी इक साजिश आ, जे हत्यावां होणियां, जे जुल्म होणे आ तां उन्हां ते होणे आ।